व्यापारियों को तो जो प्रॉब्लम है वो तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि हमको लगता है ये शहर से हमको इंडस्ट्री बंद करके अभी बदलापुर या अंबरनाथ जाना पड़ेगा, क्योंकि शायद MSEB को हमारी ज़रूरत नहीं है, उनको बहुत बिजनेस मिल रहा है, वो हमको पावर नहीं दे पा रहे। मतलब प्रॉब्लम बोलेंगे तो ऐसा है, दिन में 4 घंटा लाइट बंद होना बहुत कॉमन बात हो गई है, और उसके वजह से जो हमारा नुकसान होता है, अभी इनके JEE ने बताया कि यहाँ पे 600 के आसपास इंडस्ट्रियल कस्टमर है इनके पास, उनका बिल हम लोग 2 या 2.5 करोड़ रुपया मंथली बिल बढ़ते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब उससे डबल 6 करोड़ रुपया हमारा मंथली नुकसान होता है लाइट बंद होने की वजह से। लेकिन उनको क्या है, इनका वो सीरियस लेते नहीं है, हर बार देखते हैं करते हैं देखते हैं करते है। अभी तो हद हो गई है, दिवाली के टाइम पे हमारी फैक्ट्री 4-4, 5-5 घंटा बंद होती है सिर्फ लाइट बंद होने की वजह से, और ऐसा नहीं दिन में 10 बार लाइट बंद होती है, और उनको बनाने के लिए स्टाफ नहीं है, उनको बनाने के लिए मटेरियल नहीं है, रोज़ रोज़ नई एक्सक्यूज़ बताते हैं, मटेरियल हमको बाज़ार से ला के देना पड़ता है तभी ये लोग लाइट बनाते हैं। तो इन्होंने आश्वासन दिया है, साहब अभी आए बोले साहब ने कि 1 महीना देखिए हम 1 महीने में सुधार करेंगे, लेकिन हमने भी इनको बताया है कि अगर 1 महीने में सुधार नहीं हुआ तो हम लोग लाइट का बिल भरना बंद कर देंगे, कोई भी 1 रुपया भी बिल नहीं भरेगा, और मंत्रालय तक हम सब लोग मोर्चा लेके जाएंगे। बाकी हम 1 महीना वेट करते हैं इनके आश्वासन पे, देखते हैं वो रिजल्ट आती है कि नहीं आती है। भाइयों को मेरा पहली बार नमस्कार, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, दिक्कत हो गई थोड़ी देर हो गया, उसके लिए मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। डेफिनेटली इस एरिया के जो प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री के है वो छूटना चाहिए, वो कम होना चाहिए, एकदम तो एक ही बार 100% तो उसका छुटकारा नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम्स है, मेन जो प्रॉब्लम है कि लाइन का इंटरप्शन आता है, कुछ फीडर है, एम2 फीडर है, अभी मैंने पीछे भी बताया था, लेकिन फिर एक बार वो M2 फीडर का जो आपका ये मेन फीडर है उसका पोल टू पोल सर्वे करने लगा था उसको, यानी पोल टू पोल सर्वे करके उसमें कुछ मेंटेनेंस करने का है, अगर मेंटेनेंस किया होगा फिर भी अगर ये एरिया में अपने मेन लाइन के व्यतिरिक्त अगर इंडिविजुअल्स को ट्रांसफार्मर के यानी कि ट्रांसफार्मर का फेज जाना, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मेंटेनेंस कुछ है, केबल का कुछ मेंटेनेंस है, ये टोटल सर्वे आपके एरिया का करने लगा था, और जहाँ जहाँ प्रायोरिटी ओवरलोड जो ट्रांसफार्मर है, अभी क्या होता है आप बोल रहे हैं कि ओवरलोड ट्रांसफार्मर के ऊपर कनेक्शन देना नहीं चाहिए, ये बात बरोबर है, देना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो हम उसके लिए वो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ा देंगे, नहीं तो एक आधा नया ट्रांसफार्मर बिठा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ ट्रांसफार्मर बिठाने के लिए थोड़ी जगह की अगर दिक्कत आती होगी तो जगह थोड़ा अपने को चाहिए, अगर आप लोग अगर कहाँ ऐसा एडिशनल DTC बिठाने के लिए अगर जगह कुछ हमको देते हैं तो डेफिनेटली अपन एडिशनल DTC बिठाएंगे, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग जो DTC है उसके ऊपर का लोड थोड़ा कम हो जाएगा और ये भेज जाना थोड़ा बंद हो जाएगा। मुझे ऐसा थोड़ा मदद कीजिए कि आप थोड़ा DTC का जगह की कोई प्रॉब्लम अगर है तो थोड़ा जगह का थोड़ा तस्वीर किया तो ठीक रहेगा। सर्वे तो मैं विद इन वीक में, आज की तारीख है दिवाली के अगोदर, दिवाळी 22 पासून शुरू है, 20 तारखेपर्यंत याचा टोटल सर्वे करा, आणि काय करा प्रत्येक ट्रान्सफॉर्मर वर किती लोड आहे संध्याकाळी किंवा यांचं पीक जे आवर्स असते त्या पीक आवर्समध्ये ॲम्पियरमध्ये लोड घ्या, आणि त्या DTC वरचा कॅपॅसिटी किती कनेक्टेड लोड आहे असा पूर्ण मोजा, आणि 1-to-1 ते देऊन रेकॉर्ड तयार करा, मला दाखवा। सुरुवात करेंगे जहाँ जहाँ फिटनेस लगने वाला है डेफिनेटली उसमें सुधार करूँगा, फिर एक बार मैं आश्वासित नहीं बोलूँगा, लेकिन डेफिनेटली आपके एरिया में मैं पर्सनली यहाँ लक्ष्य दूंगा और ये आपकी जो कुछ डिफिकल्टी वो मैं कम करने की कोशिश करूँगा। अभी हम आपके आश्वासन पे 1 महीना 1.5 महीना और देखेंगे, तब उसके बाद हम सब लोग जो भी जो होता है 600 लोग कोई भी बिल नहीं भरेगा, हम सब जाके सामने मंत्रालय के सामने बैठ जाएंगे, आपको डिस्कनेक्शन करना है करिए, अगर सर्विस नहीं सुधरा तो हम सब बिल भरना बंद कर देंगे, और 600 के 600 लोग नहीं सर हम लोग अभी भी नहीं भरने वाले, अभी भी हम लोग नहीं भरने वाले, आश्वासन पे हम लोग बिल नौबत नहीं आएगी। डेफिनेटली मैं इधर अभी जितने लोग सर जवाबदार आदमी होना चाहिए ना, अगर बात कर रहा हूँ तो मेरी ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर मैं यहाँ बात करके चला जाऊँगा और उधर ही बैठूँगा तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि ऐसी बात नहीं, मैं डेफिनेटली इधर आपके राजा प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेफिनेटली निकालूंगा, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आपको देखेंगे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।